मुरादाबाद की हर बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और साथ में भी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। ट्रेनों में लूटपाट से दहशत का पर्याय बन चुके 20,000 के इनामी बदमाश शफीक उर्फ सकिया को GRP पुलिस ने आज कटघर थाना क्षेत्र के डबल फाटक से गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा आज खुद SP रेल सुभाष चंद दुबे ने रेलवे स्टेशन स्थित GRP थाने पर किया। GRP के मुताबिक ये पिछले 4 सालों से फरार था और इसने मंडल में कई ट्रेन डकैतियों को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। SP रेल सुभाष चंद दुबे ने बताया कि आरोपी शफीक उर्फ सकिया को पिछले 4 सालों से GRP तलाश रही थी। इसने अपने साथियों लोकेश उर्फ प्रमोद, अजय कालिया, राजू चिकना, आजाद मोटा, असलम और कालू राम के साथ मिलकर 17 अप्रैल 2014 को पद्मावत एक्सप्रेस में लूट की थी। इसके 5 दिन बाद ही इसने 22 अप्रैल 2014 को लखनऊ मेल के AC कोच में कई यात्रियों के साथ लाखों की लूट की थी, जिससे यहाँ से लेकर लखनऊ मुख्यालय तक हड़कंप मच गया था। तब से GRP इसे तलाश कर रही है, लेकिन ये लगातार चकमा देकर भाग रहा था। GRP ने इसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके लगातार फरार होने से GRP ने इसे गिरफ्तार करने के लिए 20,000 का इनाम घोषित कर दिया था। आज GRP इंस्पेक्टर पंकज पंत को सुराग लगा कि ये आरोपी कटघर के डबल फाटक के पास में है। उन्होंने अपनी टीम के सतीश कुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील कुमार और सूरज कुमार के साथ जाल बिछाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। GRP के लिए बड़ी सफलता इसलिए भी है क्योंकि लगातार फरार रहने से GRP की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे थे। GRP अधिकारियों के मुताबिक सकिया की गिरफ्तारी में ट्रेनों में होने वाले अपराधों में भी कमी आएगी। GRP के रिकॉर्ड में इस पर ट्रेनों में लूट के 4 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य थानों को भी इस अपराधी की डिटेल भेजी जा रही है। उसके पहले 17 अप्रैल 2014 को पद्मावत एक्सप्रेस के AC कोच में इसने अपने 6 अन्य साथियों के साथ डकैती की घटना को रनिंग ट्रेन में अंजाम दिया था। इसके ग्रुप के अन्य सभी साथी एक एक करके गिरफ्तार हो गए हैं। इसके ऊपर GRP की तरफ से 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और ये अप्रैल 2014 से फरार चल रहा था। यह दिल्ली में, जैसा कि इसने बताया है, फेरी चप्पल की लगा रहा था और वहाँ पर अपना नाम मोहम्मद रईस के नाम से प्रचारित कर रखा था। नाम बदल करके दिल्ली की इंद्रलोक कॉलोनी में रह रहा था। यहाँ के प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत और उनकी टीम द्वारा निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। इस क्रिमिनल को ट्रेस करके दिल्ली से बाहर निकाला गया है और विधिवत आगे विधिक कार्रवाई करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। संभावना है कि इस 4 साल में भी इसके द्वारा फेरी के अलावा कोई अन्य आपराधिक घटनाएं अंजाम न की गई हो, इसको लेकर के आगे भी विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इसके कब्जे से तमंचे, कारतूस भी बरामद हुए हैं। साथ ही अभी पुलिस इससे डिटेल में इंट्रोगेशन करेगी क्योंकि 4 साल से ये अपना नाम बदल करके दिल्ली की इंद्रलोक कॉलोनी में रह रहा था, इसलिए संभावना है कि वहाँ भी ये कुछ अन्य आपराधिक वारदातों में शामिल रहा। विस्तृत पूछताछ अभी जारी है।